Assalamu alaikum viewers, this is Amna Zafar and you're watching Amna's Kitchen 2020. So today we are making meethi takkiyan as mere paas jo hai wo request aayi thi ke Rajab jo hai wo start hone wale hain and bahut sare log jo hain wo takkiyan banana pasand karte hain. So let's start and the ingredients for the takkiyan are takkiyan banane ke ajza hain 2 cup maida 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल 1 खाने का चम्मच इलायची पाउडर 3/4 कप सूजी 1 कप चीनी 5-6 अदद जो है वो चम्मच घी के हैं और 1 कप दूध. सबसे पहले एक बाउल में हम दूध ल्यूकवार्म है, ये नीम गर्म दूध है, और इसमें चीनी जो है वो ऐड कर देंगे और इसको घोलने के बाद जो है इसके अंदर घी ऐड करेंगे. नाउ यू कैन सी के चीनी जो है वो डाइल्यूट हो गई है. सॉरी अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे. अगर घी हम पहले से ऐड करके दूध और चीनी को मिक्स करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम. नाउ टेक ऑल द ड्राई आइटम्स, इसके अंदर मैदा, तिल, सूजी और इलायची पाउडर जो है वो हम इसको मिक्स करेंगे. और इसको गूंद लेंगे आहिस्ता आहिस्ता. वो जो दूध और घी का मिक्सचर बनाया है उसको ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे. पहले ड्राई आइटम्स को अच्छी तरह मिक्स करना है. नाउ ऐड ग्रेजुअली दिस लिक्विड. Now you can see dough is ready. इसको थोड़ा सा stiff होना चाहिए, थोड़ा hard होना चाहिए और अब इसको हम एक घंटे के लिए rest देने के लिए छोड़ देंगे. Then we are going to move further. एक घंटा इसको rest देने के बाद इसको थोड़ा सा मैदा डाल के और knead करेंगे. आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हमने इसको रखा था और ये थोड़ा stiff था, थोड़ा hard था. Now you can see कि ये अब थोड़ा soft हो चुका है. बहुत पतला इसको नहीं बेलना है और बहुत मोटे भी नहीं रखना है वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे. और इसको फ्राई जो है वो बहुत लो फ्लेम पे करेंगे. ये देख सकते हैं आप, ये मोटी नहीं है बहुत ज़्यादा. अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो ये जो है वो अंदर से पकेंगी नहीं और कच्ची रह जाएंगी. लेट्स स्टार्ट फ्राइंग. आप देखें कि ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं है, जितना आप मीडियम इसको बहुत हल्का गर्म रखें ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए. स्लाइटली से इसको जो है वो आप हिलाते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं करें. और ये जैसे जैसे पकेंगी तो ये थोड़ी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी और ये थोड़ी लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है. नाउ यू कैन सी कि ये जो है वो मैंने कहा था कि पकेंगी तो ये ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही हैं. अब इनको आप टर्न कर दें. कीप फ्राइंग देम ऑन लो फ्लेम, बहुत हाई इसको मीडियम से भी स्लो ही रखिएगा फ्लेम को. नाउ यू कैन सी कि ये अच्छी तरह से जो है वो पक चुकी हैं. इट्स टाइम टू टेक इट आउट. सी हाउ ब्यूटीफुली डन दे आर. दिस इज प्रॉपरली कुक्ड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मस्ट गिव इट अ ट्राई. Can you feel the sound? Khasta. Now you can see कि हमारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार है, खस्ता और करारी. मेरे पास फरमाइश आई थी इसकी कि रजब स्टार्ट होने वाले हैं तो बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने घर में, तो that's why I made it for you people. Don't forget to subscribe and share my channel. Thank you.